सो हेलो एवरीवन। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे यूपीएस यूनिवर्सिटी देहरादून के बारे में। कंप्लीट डिटेल रिव्यू में डिस्कस करने वाला हूँ, तो ये वीडियो आपको कंप्लीट डिटेल रिव्यू प्रोवाइड करने वाला है रिगार्डिंग यूपीएस यूनिवर्सिटी देहरादून। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। व्हाई यूपीएस यूनिवर्सिटी देहरादून, मैक्सिम बच्चे इस पर्टिकुलर कॉलेज को क्यों प्रेफर करते हैं, रीज़न क्या है प्रेफर करने का। सेकेंडली एलिजिबिलिटी एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो भी डिस्कस करने वाले। एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। कोर्सेज ऑफर, तो देखो ये वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज बच्चों को ऑफर करते हैं, तो आपको विभिन्न तरह के स्टूडेंट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फी स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट, तो यहाँ पर लाइक मास रिक्रूटर एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, दोनों तरह की कंपनी यहाँ पर आती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस मास रिक्रूटर ही आती है, प्रोडक्ट बेस्ड काफ़ी कम आती है, तो दोनों ही अच्छे खासे नंबर में आती है। प्रोडक्ट बेस्ड का बात करो या मास रिक्रूटर का बात करो। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फैकल्टीज हो गया, कैंपस लाइफ, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज एंड प्रोज एंड कॉन्स, ये सबसे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको यही पता नहीं कि उसका प्रोज एंड कॉन्स क्या है, तब काफ़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि देखो आप वहाँ पर 4 ईयर स्पेंड कर रहे होगे एंड 4 ईयर स्पेंड करोगे तो वो पता होना चाहिए कि इसका कॉन्स क्या है, इसका प्रोज क्या है। मेनली कॉन्स आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आपका जो डिसीजन है हो सकता है वो गलत हो। ये सिर्फ यूपीएस यूनिवर्सिटी देहरादून का ही नहीं, बल्कि आप कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट का बात क्यों ना कर लो, आपको प्रोस एंड कॉन्स पता होना ही चाहिए। वैसे अगर आपको इस वीडियो के एंड में कुछ भी डाउट रह जाता है, कुछ भी क्वेरी है इस कॉलेज रिगार्डिंग, तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप लोग फुल सपोर्ट दिया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो हर एक पॉइंट को चलिए कवर करते हैं काफ़ी डिटेल में। तो देखिए पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैक्सिम बच्चे इस पर्टिकुलर कॉलेज को प्रेफर क्यों करते हैं, रीज़न क्या है प्रेफर करने का। तो देख सकते हो MBA एग्रीगेट प्रोग्राम्स, तो अगर आप डिप्लोमा की बात करो, अंडर ग्रेजुएट की बात करो या पोस्ट ग्रेजुएट की बात करो, तो हर एक फील्ड को ये कवर करती है। ठीक है, रनवे इनक्यूबेटर फॉर स्टार्टअप आइडियाज, तो काफ़ी सारे बच्चे लाइक जो थर्ड ईयर में होते हैं या फोर्थ ईयर में होते हैं, तो स्टार्टअप आइडियाज जो उनको होता है उनको फुल सपोर्ट दी जाती है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा बात है जो कि जनरली जो कॉलेज है उसमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, प्लेसमेंट असिस्टेंस अप टू 5 ईयर्स, जो कि काफ़ी अच्छा बात है। इंडस्ट्री एलायंसेस विद IBM हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, LNT हो गया, सिस्को हो गया, ZigBee एंड मोर, तो जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है एंड जो मास रिक्रूटर है, इन दोनों तरह की कंपनी के साथ इन लोगों का अलायंस है, जो कि काफ़ी अच्छा का बात है। ग्लोबल एक्सपोजर, तो काफ़ी सारे बच्चों को ग्लोबल एक्सपोजर करने का मन होता है, तो आप लोग इस कॉलेज के द्वारा ये चीज़ें कर सकते हो। तो बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड मोड ऑफ एग्जाम के बारे में, तो आप लोग देख सकते हो क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, मिनिमम 50% इन क्लास 10 एंड 12 आपका होना कंपलसरी है एंड PCM सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। जब बताया गया कि मिनिमम 50% एग्रीगेट होना चाहिए PCM इन क्लास 12, तो काफ़ी क्लियर है, आई थिंक सब बच्चे ये सर्टिफाई तो कर ही लिए होंगे। ठीक है, एंड जो मोड ऑफ एग्जाम का बात करें तो देख सकते हो JEE मेन तो है ही। ठीक है, अगर आप JEE मेन से सपोज अगर आप 85% स्कोर करते हो, ठीक है, तो जो टॉप की जो ब्रांच लाइक CSE हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ठीक है, या स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस हो गया, तो आप उस सब ब्रांचेस में एडमिशन मतलब इजीली ले सकते हो अगर आप 85% लाते हो विद इन फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट। अदरवाइज यहां पर बोर्ड एग्जाम के द्वारा भी अगर आपका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है बोर्ड एग्जाम में, तो उसके द्वारा भी एडमिशन ले सकते हो। एंड एक और थर्ड मोड है जिसको बोलते हैं हम लोग UPSCAT, ठीक है, तो खुद का एक एंट्रांस एग्जाम होता है, तो आप इनका खुद का जो एंट्रांस एग्जाम है उसमें अपीयर होकर के आप इनका एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो जरा डिटेल्स में बता दूँ इनका जो एंट्रांस एग्जाम है खुद का, तो देख सकते हो ये है डिटेल कुछ ऐसा है। लाइक मैं अगर BTEC की बात करूँ तो UPSCAT ये मोड है, ऑनलाइन मोड है, इसका एग्ज़ाम डेट है 3 से 5 जुलाई के बीच में होने वाला है। ठीक है, एंड लास्ट डेट टू अप्लाई 30 जून है, तो मैं बोलूँगा आप अभी अप्लाई कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप पहले से प्रिपेयर रहो कि हाँ मुझे इस एग्ज़ाम के लिए अपेयर होना है। अगर इंटरेस्टेड हो तो मैं बोलूँगा जल्द से जल्द इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर दीजिए। एप्लीकेशन की मुझे फ़ीस है वो ₹1350 है। ठीक है, तो आप इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाइए एंड विजिट कीजिए, एंड जो भी आप जिसमें इंटरेस्टेड हो तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। लाइक देखिए ये है एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक, तो जितना भी इंपॉर्टेंट लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए एंड जो भी इंपॉर्टेंट लिंक है आप उसको विजिट कीजिए, आपको सब कुछ डिटेल्स मिल जाएगा। तो काफ़ी सिंपल सा है, आपको डिटेल्स भरना है, पेमेंट करना है, एकेडमिक हिस्ट्री फिलअप करना है, कंप्लीट एप्लीकेशन, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जा रहा होगा, तो आप जो भी फील्ड में इंटरेस्टेड हो आप उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये लिंक है एंड जैसे कि मैंने बताया एप्लीकेशन फॉर्म जो फीस है वो 1350 है फॉर बोथ टाइप ऑफ कैंडिडेट वेदर मेल एंड फीमेल। अब बात करें कोर्सेज ऑफर, तो कौन कौन से कोर्सेज है जो ये लोग ऑफर करते हैं, तो देखो काफ़ी वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज ये लोग ऑफर करते हैं। मैं पहले बता दूँ, आप देख सकते हो आपका इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, डिज़ाइन हो गया, बिजनेस हो गया, लॉ हो गया, हेल्थ साइंसेस हो गया,
मॉडर्न मीडिया एंड एक नया में आया है लिबरल स्टडीज़। तो अब जो भी फील्ड में इंटरेस्ट हो आप उस पर्टिकुलर कोर्स को परस्यू कर सकते हो। लाइक मैं एग्जांपल के तौर पर मैं इंजीनियरिंग का दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इंजीनियरिंग में कौन कौन से ब्रांचेस है जो कि आपको देखने को मिलेंगी, तो देखो ये बीटेक स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग है। लाइक कोर जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस हो गया, अप्लाइड पेट्रोलियम हो गया, अप्लाइड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग गैस स्ट्रीम हो गया, एरोस्पेस हो गया, केमिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो लगभग जितने भी आपका कोर हो गया, नॉन कोर हो गया, डायरेक्ट ब्रांचेस, सारी ब्रांच ये कवरअप की जाती है। आपका सिविल भी है, मैकेनिकल है, मेट्रोट्रॉनिक्स है, एडवांस मटेरियल्स एंड सस्टेनेबल इंजीनियरिंग। तो हर एक ब्रांचेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वैसे कुछ भी डाउट है, लाइक कि आपको कुछ ब्रांच सिलेक्ट करने में दिक्कत हो रही कि हाँ मुझे कौन सा ब्रांच सिलेक्ट करना चाहिए, लाइक काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जिनको एक डाउट्स होते हैं कि हाँ इतने सारे ब्रांचेस है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कौन सा ब्रांच को चूज़ करूँ, तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते, आपको फुल सपोर्ट दी जाएंगी। तो देख सकते हो जो स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस है जो कि आजकल काफ़ी डिमांड है, ठीक है। जो स्पेशलाइजेशन है कंप्यूटर साइंस एंड स्पेशलाइजेशन, लाइक काफ़ी सारे AI है आपका, ML है, फुल स्टैक है, बिग डेटा है, ब्लॉकचेन है, काफ़ी चर्चित में है ये ब्लॉकचेन आजकल, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग है आपका, साइबर सिक्योरिटी। तो हर एक स्पेशल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसी तरह से जो बाकी जो फील्ड है आपका BCA हो गया, ठीक है, आपका डिज़ाइन हो गया, आपका बिजनेस हो गया, तो ये भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। वैसे जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, तो आप लोग जा करके चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर। तो देखो ये एक पॉइंट है जो कि आपको थोड़ा डिसएडवांटेज लग सकता है। अगर फीस स्ट्रक्चर के अलावा जो बाकी सब जो चीज़ें वो बात करेंगे तो काफ़ी आपको अच्छे देखने को मिलेंगे, लेकिन फीस स्ट्रक्चर देखो मैं बता दूँ आपको, एक ओवरऑल आइडिया मैं दे दूँ कि ऑब्वियसली अगर आप हॉस्टल लेते हो, ठीक है, आपको जो सेमेस्टर फीस है तो दोनों मिला करके, लाइक सेमेस्टर फीस हॉस्टल फीस दोनों मिला करके आपको 21 लाख तो एटलीस्ट लग ही जाएगा, 21 लाख, ठीक है। तो अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हो देन डेफिनेटली दिस इज़ द बेस्ट कॉलेज फॉर यू, ओके। तो वैसे मैं डिटेल जरा बता दूँ आपको कि फीस स्ट्रक्चर कैसा है। लाइक स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस है, इसका जो फीस स्ट्रक्चर, लाइक मैं semester 1 semester 2 non-CS, ठीक है, तो काफ़ी डिटेल में बता दिया गया। लाइक सपोज़ मैं स्ट्रीम वन पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, जो BTech Stream 1 है तो उसका फीस कुछ ऐसा है, सेमेस्टर वाइज दिया गया है। एंड जो Stream 2 है जो कि non-CS हम लोग बोल रहे हैं, तो उसका फीस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, लगभग आप मान के चलिए कि आपको 21 लाख तक लग ही जाएगा। वैसे यहाँ पर स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किया जाता है, तो अगर आपका स्कोर काफ़ी अच्छा है बोर्ड एग्जामिनेशन में तो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। एंड यहाँ पर जो स्कॉलरशिप है वो हर एक साल आपको रीन्यू करना पड़ता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बस फर्स्ट ईयर में ही आपको करना पड़ेगा, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के लिए भी अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर नहीं कि बस ज़्यादा बच्चों को मिलती है स्कॉलरशिप, बस कुछ ही बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती है, बट स्टिल अगर आपका बोर्ड में काफ़ी अच्छा स्कोर है तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब बात करें प्लेसमेंट का, तो काफ़ी सारे बच्चे इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए वेट कर रहे थे। तो देख सकते हो जो हाइस्ट पैकेज है वो 45 लाख तक गया है, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा बात है, 45 लाख इज द हाइस्ट पैकेज टिल नाउ। प्लेसमेंट परसेंटेज काफ़ी अच्छा, 94% प्लेसमेंट है। अब कुछ आपको ब्रांचेस एंड डिपार्टमेंट के प्लेसमेंट रे 100% नहीं दिखते। अब देखो कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि गेट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं, गेट एग्ज़ाम के लिए उनका मोटिव होता है मुझे गेट एग्ज़ाम ही देना, या कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको प्लेसमेंट से मैटर नहीं है, तो इसलिए 100% प्लेसमेंट आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। 500+ कंपनीज आ चुकी है, आती है। एवरेज पैकेज बात करते देख सकते हो जितने भी आपका कोर्सेज है, जितने भी फील्ड है उसका एवरेज पैकेज कुछ ऐसा, लाइक आपका जो इंजीनियरिंग फील्ड है उसका 5.3 लाख एवरेज पैकेज है, स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस 5.36 लाख एवरेज पैकेज है, स्कूल ऑफ डिज़ाइन 6.3 लाख। जेनरली डिज़ाइन का इतना पैकेज मतलब ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है, तो डिज़ाइन के मामले में इसका एवरेज पैकेज जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। स्कूल ऑफ लॉ 4.79 लाख एंड स्कूल ऑफ बिजनेस 5.02 लाख। अब एक चीज़ आप देख सकते हो, नोट कर सकते हो, जो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग है वो 5.3 लाख है एंड जो स्कूल ऑफ डिज़ाइन है वो 6.3 लाख। ये डिफरेंस क्यों देखने को मिलेगा? अदरवाइज हम लोग तो यही जानते हैं कि जो इंजीनियरिंग फील्ड हो गया उसमें पैकेज थोड़ा ज़्यादा ही देखने को मिलते हैं। देखो यहाँ पर मैटर कर रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो इंजीनियरिंग में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डिज़ाइन, तो डिज़ाइन में कम स्टूडेंट अप्लाई करते हैं तो उसका जो एवरेज है वो थोड़ा ज़्यादा निकल रहा है, एंड यहाँ पर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग कम निकल रहा है क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट का संख्या ज़्यादा है, तो यही एक मेन रीज़न है। बाकी जो यहाँ पर जो कंपनी आती है, दोनों तरह की कंपनी आती है, मैं बता दूँ, मैं एक वीडियो बना भी चुका कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एंड मास रिक्रूटर में डिफरेंस क्या है,
मेनली क्या डिफरेंस है, कितने पैकेज ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो अगर वीडियो नहीं देखो तो जाकर देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप चेक कर सकते हो कि जो प्लेसमेंट डेटा है कुछ इस तरह से 2021 का, 22 का कैंपसिंग अभी भी चल रहा है तो अभी तक कुछ ऑफिशियल डेटा अनाउंस नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हो 94% प्लेसमेंट हो चुका था, ठीक है। 150 प्लस रिक्रूटर आ चुकी थी। ये जो डेटा है ये 2021 का डेटा है एंड 2300 स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके थे, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ प्लेसमेंट का सीनेरियो है। बाकी आप देख सकते हो नीचे में जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी लाइक आपका अमेजोन हो गया, रिलायंस हो गया, ठीक है। तो हर एक तरह का प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आपको देखने को मिलेगी। एंड जैसे मैंने बताया इसका जो एवरेज पैकेज है वो 5.36 ऐसा कुछ एवरेज पैकेज है। जो हाइस्ट पैकेज हो गया था वो 45 लाख हाइस्ट पैकेज गया था, ठीक है। तो प्लेसमेंट मतलब अच्छा आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा ओवरऑल का बात करें तो। बाकी फैकल्टी आप देख सकते हो जो हर एक आपका जो प्रोग्राम है, लाइक आपका स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग हो गया, स्कूल ऑफ लॉ हो गया, आपका डिज़ाइन हो गया, आपका बिजनेस हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया। तो लाइक सपोज़ मैं कंप्यूटर साइंस के अंडर फैकल्टी क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर काफ़ी मतलब एक अच्छा से मेंशन कर दिया गया कि आपको जो टीचर पढ़ाने वाले हैं उनका क्वालिफिकेशन क्या है। तो हर एक जो टीचर है हर एक प्रोग्राम के अंडर में आप इनका क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हो। यहाँ पर सबसे अच्छा की बात है, जैसे मान लो अभी क्या हो रहा है ना कि मैक्सिमम कॉलेजेस अदरवाइज हर एक कॉलेजेस में ही स्पेशलाइजेशन ब्रांच इंक्लूड हो चुका है, ठीक है। लाइक आप CSE की बात करो तो CSE स्पेशलाइजेशन, तो जनरली देखा गया है कि जो स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस है ना वो मतलब जो बाकी सब जो कॉलेजेस है जो ये नया ब्रांच जस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है तो फैकल्टी अच्छे नहीं देखने को मिलते। तो यहाँ पर स्पेशलाइजेशन के लिए हर एक मतलब अलग से टीचर अलॉट किया गया, ऐसा नहीं कि जो टीचर आपको CSE पढ़ा रहे होंगे वही CSE स्पेशलाइजेशन पढ़ा रहे होंगे। तो हर एक डिपार्टमेंट हर एक स्पेशलाइजेशन के लिए आपको एक अलग से टीचर अलॉट किया गया, जो कि काफ़ी अच्छा बात है, ठीक है। तो इनका डिटेल्स क्वालिफिकेशन आप लोग चेक कर सकते हो। सिमिलरली जो बाकी जो आपका प्रोग्राम्स लाइक जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं उसके अंडर जो सब ब्रांचेस आते हैं लाइक एरोस्पेस हो गया, ठीक है, तो उनके कौन कौन से टीचर अलॉट हैं, क्या क्वालिफिकेशन है आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो देखो 44 एकड़ का कैंपस है, ठीक है। मेनी क्लासरूम सब सेटिंग कैपेसिटी 10K प्लस स्टूडेंट, तो काफ़ी सारे क्लासरूम है जहाँ पर सेटिंग कैपेसिटी जो है वो 10K 10,000 बच्चे एक साथ बैठ सकते हैं। स्मार्ट क्लासरूम, LCD प्रोजेक्टर लाइक आपका ब्लैक और वाइट बोर्ड्स, वायरलेस माइक्स एंड स्पीकर्स एंड वाईफाई कनेक्टिविटी एंड ये सब आपको देखने को मिलेंगे। ऑल लैब्स हैव सॉफ्टवेयर अलायंसेस विद IBM, Oracle, माइक्रोसॉफ्ट एंड SAP, तो इनका अलायंस जो है वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के साथ ही ज़्यादा देखने को मिलता है। मल्टीपर्पज प्लेग्राउंड फॉर प्लेइंग हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल एंड अदर स्पोर्ट्स विद वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स, ठीक है। सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स विद कैपेसिटी ऑफ मोर देन 2000 स्टूडेंट्स। तो ये कुछ अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ सिनेरियो इंफ्रास्ट्रक्चर का, वैसे कुछ भी डाउट इसके रिगार्डिंग तो ये जो नंबर है इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको फुल सपोर्ट दी जाएंगी। और कैंपस लाइफ देखो, कैंपस लाइफ में बता दो कि आप हॉस्टल में जब रहोगे तो आपको ऐसा नहीं फील होगा कि लाइक आप हॉस्टल में रह रहे हो, मतलब काफ़ी आपको एक वैकेशन टाइप का फील लग रहा होगा। तो कैंपस लाइफ के बारे में बात करें तो काफ़ी आपको अच्छा देखने को मिलेगा, मतलब क्लाइमेट भी काफ़ी अच्छा है, फैकल्टी काफ़ी अच्छा, मतलब एक एनवायरनमेंट वहाँ पर कुछ अलग ही एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलेगा, स्टडी टाइप एनवायरनमेंट वहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा बात है एक कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करो तो। वैसे इनका जो कैंपस लाइफ वो काफ़ी अच्छा बन जाता है ड्यू टू देयर स्टूडेंट एंगेजमेंट, लाइक इनका जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है, आपका स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो गया, ठीक है, आप देख सकते हो लाइक एनुअल एथलेटिक मीट्स, मुरल टूर्नामेंट एंड और भी सारे हैं लाइक इंटर यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेशन, योगा इन्विटेशन, UPS स्पोर्ट्स फेस्टिवल, ठीक है। तो ये सारे इनका जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है वो सारे कल्चरल इनका एक्टिविटीज़ होता है, लाइक जो फ्रेशर्स पार्टीज को बोलते हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर बच्चों के लिए होता है या सेकेंड सेमेस्टर बच्चों के लिए, कुछ कुछ कॉलेजेस में आई थिंक मैक्सिमम कॉलेज में सेकेंड सेमेस्टर बच्चों के लिए ही होता है। एंड इनका जो ऊर्जा द एनुअल फेस्टिवल होता है, ठीक है, एंड जो स्टूडेंट चैप्टर्स ये आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो ये सब मिला जुला करके इनका जो कैंपस लाइफ है ओवरऑल को काफ़ी अच्छा बना देता है। अब लास्टली बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स का, काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगर ये पता नहीं तो कुछ भी आप रिसर्च किए ही नहीं बोला जाए तो, मतलब आप सब कुछ देख लिए, प्लेसमेंट देख लिए, वो सब देख लिए, कंक्लूजन निकला जाए कि हाँ इसका प्रोज क्या है, इसका कॉन्स क्या है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो प्रोज के बारे में बात करें तो एक्सपीरियंस फैकल्टी, फैकल्टी यहाँ पर मतलब हर एक स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस की अलग से अलॉट की जाती है टीचर, ऐसा नहीं कि एक कोई मतलब ज़्यादातर कॉलेज में क्या होता है ना कि एक टीचर है तो वो ये पढ़ा रहा है ये भी पढ़ा रहा है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि स्पेशल ब्रांचेस के लिए यही टीचर ही अलॉट किया गया है एंड इस ब्रांच के लिए यही टीचर ही अलॉट किया गया है। लाइक
बहुत सारे स्पेशल ब्रांचेस लेकर आपका साइबर सिक्योरिटी हो गया, IoT हो गया, ML हो गया, AI हो गया, बिग डेटा हो गया, तो हर एक स्पेशलाइज लेना अलग से टीचर अलॉट की गई है, ठीक है, ये काफ़ी अच्छा है। रिक्वायर्ड इक्विपमेंट फुलफिलमेंट स्पेशलाइजेशन एटमोसफियर टू लर्न जो कि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, गुड पैकेजेस फॉर सम CS स्पेशलाइजेशन एंड इंटरनेशनल एक्सपोजियर। अब देखो यहाँ पर मतलब ये हर एक कॉलेज का रूल है, ठीक है, जो नॉन कोर ब्रांचेस से लाइक आपका जो CS हो गया, IT हो गया एंड EC हो गया, इनका प्लेसमेंट आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू कोर ब्रांचेस जो सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, ये हर एक कॉलेज का है। तो जनरली अभी जो IT इंडस्ट्री है उनका प्लेसमेंट आपको अच्छा देखने को ही मिल रहा है, तो उसका आपको प्रोस हर एक जगह यही चीज़ देखने को मिलेगा। कॉन्स की बात करें तो देखो यहाँ पर मुझे एक ही कॉन्स जो सबसे लगा, जो स्टूडेंट जनरली एडमिशन नहीं ले सकते, फीस काफ़ी ज़्यादा है। पहली बात तो 21 लाख फीस है, लेकिन जो फीस आपको जो पे कर रहे हो, जो आप चीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको वो रिटर्न भी मिलता है, तो फीस के मामले में थोड़ा ज़्यादा, लेकिन अगर अफोर्ड कर सकते हो तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज फॉर यू। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सिटी से थोड़ा दूर में लोकेटेड है, बट इनका जो कैंपस में जो चीज़ प्रोवाइड हो रहा है, आई थिंक सब कुछ ही आपका फुलफिलमेंट हो जाएगा। प्लेसमेंट फॉर कोर ब्रांच आर ओके, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि जो कोर ब्रांचेस है लाइक मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, उनका प्लेसमेंट ठीक ठाक हो ही जाता है। 75% अटेंडेंस कंपलसरी, तो ये इनका एक स्ट्रिक्ट रूल है कि बच्चे रेगुलर क्लास करें, रेगुलर अटेंड करें, ताकि मतलब उनका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो काफ़ी बढ़िया से मेंटेन रह सके। तो ये रहा एक डिटेल रिव्यू। वैसे कुछ भी डाउट है प्लीज़ कमेंट कीजिए, अदरवाइज ये जो नंबर है आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको फुल सपोर्ट दी जाएगी इस कॉलेज के रिगार्डिंग फॉर योर एडमिशन।